हेलो एवरीवन, आज हम शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का सामाजिक विज्ञान का पाठ 9 करेंगे। तो ये जो पाठ 9 है, इसका नाम है कि राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन, तो महात्मा गांधी का आगमन। आज हम महात्मा गांधी जी के बारे में पढ़ेंगे। तो महात्मा गांधी जी का आगमन कैसे हुआ? दक्षिणी अफ्रीका में नस्लभेदी पाबंदियों के खिलाफ अहिंसक आंदोलन की सफलता पूर्वक जो हमारा नेतृत्व था, ये गांधी जी 1915 में वापस भारत आए थे इस सफलता पूर्वक नेतृत्व के संग। दूसरा, उन्होंने पहले साल जो था जब वो वापस आए तो पूरा दौरा किया कि यहाँ के लोग किस हालत में है, उनकी जरूरी थी क्या है, वो कैसा फील कर रहे हैं, ये सब उन्होंने सबसे पहले आके यहाँ पे जाना। तो जब वो ये सब समझ चुके थे तो उन्होंने क्या किया, जब वो ये सब समझ चुके थे तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कुछ स्थानीय आंदोलन किए। वो कैसे आंदोलन करते थे, वो जो थे वो अहिंसक जो आंदोलन थे उनके वो आंदोलन थे। तो उन्होंने इसके लिए कुछ आंदोलन किए, तो चंपारण आंदोलन, नील की खेती करने वाले किसानों के लिए 1917 में, खेड़ा 1918 में किसानों के लिए एक आंदोलन, और अहमदाबाद में मिल मजदूरों के लिए 1918 में आंदोलन। 1919 से लेकर 1922 के बीच उन्होंने कई सारे आंदोलन लड़े, जैसे कि रॉलेट सत्याग्रह, खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन। तो रॉलेट सत्याग्रह, ये 1919 में अंग्रेजी सरकार ने रॉलेट कानून पास किया जिसका उद्देश्य अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे मूलभूत अधिकारों पर अंकुश लगाना और पुलिस को और ज्यादा अधिकार देना था। गांधी जी ने लोगों से आह्वान किया कि इस कानून का विरोध करने के लिए 6 अप्रैल 1919 को अहिंसक विरोध के द्वारा अपमान और याचना दिवस के रूप में मनाया जाए और हड़तालें की जाए। यह ब्रिटिश सरकार के खिलाफ पहला अखिल भारतीय संघर्ष था, हालांकि मोटे तौर पर यह शहरों तक ही सीमित था। सरकार ने इन आंदोलनों को कुचलने के लिए दमनकारी नस्तन अपनाया। इन्होंने 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन जलियांवाला बाग में एक शांतिपूर्ण सभा के ऊपर बिना किसी चेतावनी के जनरल डायर, जो अंग्रेजी जनरल थे, उन्होंने गोलियां बरसाई। कई से लोग मारे गए जिनमें बुजुर्ग और बच्चे शामिल थे। इस जनसंहार पर अपनी पीड़ा और गुस्सा जताते हुए रविंद्र जो टैगोर थे, उन्होंने अपने नाइटहुड की पदवी भी लौटाई। अब खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन का आह्वान। तो प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की की हार के बाद अंग्रेजों ने तुर्की के सुल्तान, जो पूरे विश्व के मुसलमानों को खलीफा माना जाता था, उसके ऊपर बहुत सख्त संधि थोप दी। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद भी जो अंग्रेज थे वो गुस्से हुए और भारतीय मुसलमान जो थे उनको आग बबूला हो गए उन पर। खिलाफत आंदोलन के नेता मोहम्मद अली और शौकत अली ने अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन शुरू किया, जिससे उद्देश्य तुर्की के सुल्तान यानी खिलाफी जो खलीफा थे उनकी शक्तियों को फिर से देना था। गांधी जी ने उनके आह्वान का समर्थन किया और कांग्रेस से आग्रह किया कि वह पंजाब में हुए अत्याचार, जलियांवाला बाग हत्याकांड और खिलाफत के मामले में हुए अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाए और स्वराज की मांग करें। तो क्वेश्चन, 1915 में भारत आने के बाद गांधी जी द्वारा आंदोलन, तो 1917 में चंपारण नील प्लांट्स के लिए, खेड़ा में किसानों के लिए और अहमदाबाद में मिल मजदूरों के लिए। रॉलेट कानून को भारतीय नेताओं ने विरोध क्यों किया था? तो रॉलेट एक्ट का भारतीय नेताओं ने विरोध किया क्योंकि इसका उद्देश्य मौलिक अधिकार जैसे कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाना और पुलिस शक्तियों पर मजबूती डालना था। खिलाफत आंदोलन क्या था? तो ये जो था, ये खिलाफत आंदोलन एक ऐसा आंदोलन था जिसने तुर्की शासक यानी खलीफा की शक्तियों को आराम देने के लिए अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन किया। मोहम्मद अली और शौकत अली इसके नेता थे। चौथा, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन का आह्वान क्यों किया? तो गांधी जी ने उनके आह्वान का समर्थन किया और कांग्रेस के पंजाब गलत, जलियांवाला बाग हत्याकांड, खिलाफत गलत और स्वराज की मांग के
खिलाफ अभियान चलाने का आग्रह किया। पांचवा, आपके विचार से गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया? तो गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन इसलिए किया क्योंकि वे जानते थे कि हिंदू और मुसलमानों को एकजुट किए बिना कोई भी राष्ट्रव्यापी आंदोलन नहीं चलाया जाएगा। तो आप इस तरह से आंसर लिख के वर्कशीट करेंगे। अब हम मिलेंगे अगली वर्कशीट्स के संग, तब तक के लिए बाय। चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें। बाय एवरीवन।